डॉक्टर है? वो सही है पौधा, उसका तना भी मोटा है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह स्टार्ट हो गया है एंड ये व्लॉग ना पूरे वीकेंड व्लॉग होने वाला है। लास्ट वीकेंड मैंने कैसे स्पेंड किया वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस व्लॉग में। सो गाइज, आज सैटरडे था एंड मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी, 6 बजे ही आज मेरी नींद खुल गई। मीठी ने मुझे उठा दिया एंड उसके बाद मैं बाहर आ गई, मीठी को सुला दिया। मीठी तो सो गई, इसके पापा भी सो गए, बट मैं बाहर आ गई और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं लगी। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि मैंने सोचा कि चलो आज एक वॉक ले ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह उठ पाती हूँ, क्योंकि अगर आप 8 बजे के बाद उठते हो ना, आपको इतनी धूप लगेगी कि बाहर आप जा ही नहीं सकते टहलने के लिए। बट आज मैं लकी थी कि मैं सुबह सुबह ही उठ गई। एंड बेसिकली 1 वीक से ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है लखनऊ में। मैं फटाफट से आ गई हूँ नीचे, मेरा जो फ्लोर है वो 3rd फ्लोर है, तो मैं नीचे आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉक करने, आराम से इंजॉय करने नेचर को। वॉक करते करते ना मुझे लगा कि इतना ज़्यादा पसीना हो गया था। वैसे ठंडा तो था मौसम, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी जिससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। तो मैं फटाफट से आके फ्रेश होके मैंने नहा वहा लिया आराम से, फिर मैंने कहा कि चलो नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तभी मैं बैठूँगी। करने के बाद भी अभी भी मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि अभी ये लोग उठने का मतलब 10 बजे से पहले तो कोई उठता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े थोड़े से मैंने बाहर डाले थे धुल के, तो मैं वो सब उठा लाई थी और मैं फटाफट से सारे फोल्ड कर दूंगी। और ये पर्दे मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, 8 बजे से धूप आनी स्टार्ट हो जाती है और हम लोग का जो ये ड्राॅइंग रूम है ना, वहाँ से एकदम डायरेक्ट ही सन की जो रेज़ है वो आती है। तो मैंने सारे पर्दे लगा दिए और ये मेरी रिंग लाइट इधर उधर घूमती रहती है, जैसे मुझे कंटेंट का मतलब जहाँ पे भी लगता है वहाँ लग जाता है। एंड मैं फटाफट से सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूंगी एंड उसके बाद मेरे पास और टाइम था। तो फिर मैंने अपने टेबल को भी क्लीन कर लिया, डाइनिंग टेबल का हाल कुछ इस तरीके से हो गया था। जब से मैं घर से आई थी ना, सारे सामान ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल करते हो ना, आपकी जो सारी एनर्जी है वो एकदम से आने जाने में ही इन्वेस्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि 1-2 दिन लगता है आपको। और उसके बाद मुझे तुरंत आके ना वीडियोज़ वगैरह भी शूट करना था कई सारे, तो उन सब चक्करों में ये सब चीज़ें रह गई थी। एंड फिर मैं आ गई थी किचन में एंड मैंने पानी वानी सब भर के रख दिया फ्रिज में। जितनी भी चीज़ें होती है ना, मैं आराम से शांति से कर पाती हूँ। वैसे मीठी उठ भी जाती है तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है, दूध वगैरह उसको पिला देते हैं, खेलने में जुट जाती है ज़्यादा। बट स्टिल अगर मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू जब मेरे पास आस पास कोई रहता है तो।
एंड उसके बाद फिर मैं अपना जो गरम पानी बनाती हूँ मैंने वही पी लिया है। यार कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, मेरा पेट बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जिम वगैरह कुछ ज्वाइन ही करना पड़ेगा, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अचानक से बढ़ा। लाइक प्रेगनेंसी के 1 महीने तक तो एकदम सही था, बट मैंने ना इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया ना, क्योंकि मेरी डाइट बहुत कम थी। अभी मेरी डाइट ना बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मतलब भूख भी लगती है मुझे, तो मैं खाती हूँ और ऐसा कुछ इधर उधर का मतलब कुछ डाइटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो शायद इसलिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं और मेरे साथ बात करें, लाइक हम लोग कुछ बातें तो कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये मैं 1 वीक के बाद ही इसको एडिट कर रही हूँ। लाइक आज ही अपलोड करना है तो मैं आज ही एडिट कर रही हूँ, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या बात हो रही थी, बट हाँ कुछ डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज बनाना था आलू का पराठा, तो मैं उसके लिए आटे गूंद रही हूँ। आलू मैंने पहले से ही बॉईल कर दिया है और मीठी डो रही है, देखो मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ, तो अब ये परेशान करेगी मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में क्योंकि अटक गई थी। गाइस सारे प्रिपरेशन मैंने कर दिए हैं पराठे बनाने के, अब फटाफट से मैं पराठा बना दूंगी। नॉर्मल जैसे पराठे सब बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाऊंगी आलू के पराठे। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ आलू का पराठा। सो गाइस पराठा वगैरह खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी ना, तो उसके बाद मैं सो ही गई थी। शाम के ये 5 बजे का टाइम था, फिर मुझे ना थोड़े से प्लान्स वगैरह लेने थे, मतलब बेसिकली चेक करना था कि क्या प्राइस वगैरह चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन प्लान्स ना इतने ज़्यादा महंगे चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो पास में ही ना मेरे घर के नर्सरी है, तो मैंने अपने भाई को लिया, मैंने कहा चल मेरे साथ और हम लोग नर्सरी में देख के आते। इतने सारे प्लान से ना इतने कम प्राइस में मैंने बहुत सारे सेलेक्ट भी किए थे एंड मैंने सब निकलवा उकलवा के रख भी दिए थे। आप देख सकते हो कितने सारे प्लान्स रखे हुए हैं यहाँ पे। बट ट्रस्ट मी गाइस, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी ना कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैंने बहुत सारे प्लान्स निकलवा लिए थे, वहाँ पर रख भी दिए थे, बट एट द एंड मेरा ना एकदम से दिमाग ही खराब हो गया और मैंने नहीं लिया कुछ भी प्लांट। और घर पे जब मैं आई ना, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे ढेर सारा मैंगो, तो मैंने इसको सारे धुल के एक साथ रख लिया। लाइक ये 5-6 किलो तो होंगे ही इतने सारे मैंगो। फिर मैंने इसको सारे पानी में डुबो के रख दिए थे कि ठंडे हो जाएं। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, यानी कि संडे। उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया था कल सैटरडे को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड मैं सुबह गई थी, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो संडे को ना सुबह सुबह सब लोग नाश्ता वास्ता कर चुके थे, दोपहर में सबको लंच में खाने का मन था सोयाबीन की सब्जी, तो मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पे मीठी बिल्कुल भी मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रही है। ये देखो मैडम की थोड़ी सी मैंने बड़ाई कर दी है कि ये नहीं बमासी करती हैं, बट ये देखिए ऑन कैमरा इनकी बमासी दिख गई है। सारी सारी चीज़ें ना, जब इसको बुलाना रहता है बेड के नीचे नहीं उतर पाती है, तो ये सारी चीज़ें उठा उठा के फेंक देती है। मैडम की यही बमासियाँ हैं छोटी छोटी सी।
एंड यहाँ पे देखिए मामा जी के साथ अपने खा रही है आराम से। ये ना इसका इसकी यही आदत है, जो भी खाता रहता है ना उसके साथ घूम घूम के खाती है ये। और यहाँ पे हस्बैंड ना अपना चार्जर लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं बेचारे। हमारे पास चार्जर की बड़ी कमी हो गई है आजकल। एंड उसके बाद ये शाम का टाइम है, सबको खाने का मन था एग करी, तो मैं यहाँ पे अंडे बॉईल कर रही हूँ। एक टिप बता रही हूँ आप लोगों को, एग अगर बॉईल करना हो और आप चाहते हो कि बहुत जल्दी बॉईल हो जाए ना, तो आप सारे अंडों को ना एक प्रेशर कुकर में एक चम्मच नमक के साथ लगा के एक सीटी लगा लो। आ रही मीठी ना, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, तो मैं बता रही थी कि अगर आप ना एक चम्मच नमक डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगा दोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीटी लगानी है एंड आपके जो एग्स है ना आराम से पक जाएंगे। आप जस्ट उसको ठंडा होने के लिए रख दो, तुरंत तुरंत मत कुकर खोलना, नहीं तो क्या पता आधे पके भी रह जाएँ। तो मैं जब सीटी निकल जाती है, पूरी प्रेशर निकल जाता है, उसके बाद मैं निकालती हूँ, तो ये मेरे अंडे जो होते हैं वो अच्छे से पक जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एग करी भी बन चुकी है ऑलमोस्ट, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ राइस जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इस वाले एग करी के साथ ना मुझे ये वाला राइस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये साउथ इंडियन आई थिंक राइस है, ये मैंने ऑनलाइन ही देखा था यूट्यूब पे ही। इसकी रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, कभी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर। एंड उसके बाद शाम को फिर मुझे जाना था जूडियो, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना समर कलेक्शन का वीडियो बनाना था अपने मेन चैनल पे। तो मैं आ चुकी हूँ लूलू मॉल एंड यहाँ पे मैं और मेरे भाई के साथ आई थी, क्योंकि उसको ही कैमरा पकड़ना था थोड़े थोड़े शूट करने के लिए। तो ये पूरी वीडियो ना आपको मेरे मेन चैनल पर मिलेगी, शिल्पी श्रीवास्तव, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक आउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख लो थोड़ा थोड़ा सा लुलू मॉल का ग्लाइम्स, वहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। जूडियो का तो बहुत बड़ा शोरूम है ही, सो इन केस आप लोग लखनऊ में रहते हो तो आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो यार, बड़े सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ट्रेंडी भी होते हैं साथ ही साथ। तो वहाँ पर हम लोग ने खूब सारे मतलब शॉपिंग वगैरह की, वहाँ पर मस्त ब्लॉग बनाया था मैंने, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। ही मैंने घर पे फ़ोन कर दिया था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर हो चुका था, वहाँ से आके हम लोग ने पिज़्ज़ा खाया। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, मैं ज़रूर आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।